तो हमारा जो चल रहा था पॉइंट वित्तीय ऋण का विश्लेषण, उसमें हमने एक तो पढ़ दिया अर्थ कि वित्तीय ऋण का अर्थ क्या है, वित्त संबंधी जो जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वित्तीय विवरण कहलाते हैं। धारा 240 के अनुसार कौन कौन से वित्तीय ऋण होते हैं वो पढ़ लिए हमने, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, नोट ऑफ अकाउंट होते हैं और कैश फ्लो होता है। नेक्स्ट है वित्तीय ऋण के हमने चार उद्देश्य पढ़े हैं, तो आज एक जो वीडियो आएगा उसमें देख लेना, ये सेकंड क्लास चल रही है, तो वैसे उद्देश्य फटाफट बता देता हूँ। लाभ हानि की गणना के लिए, स्थिति की गणना के लिए, उपयोगी पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए। वित्तीय ऋण की विशेषता क्या होती है, विशेषता का मतलब है इसमें क्या विशेष है, तो एक तो ये मुद्रा के व्यवहार ही लिखता है, पहली विशेषता तो ये है, भूतकालीन घटनाओं पर आधारित है, दूसरी विशेषता ये है, लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है, इस हिसाब से इसकी विशेषताएं हैं। वित्तीय ऋण के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वित्तीय ऋण के आधारभूत सिद्धांत भी लिखा है, समझने योग्य होना चाहिए, तुलनीय होना चाहिए, प्रमाणक योग्य होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। आगे है वित्तीय ऋण में हित रखने वाले पक्षकार, वित्तीय विवरण में हित रखने वाले पक्षकार। नेक्स्ट टॉपिक ये, तो लिख लो वित्तीय ऋण में हित रखने वाले पक्षकार। तो वित्तीय ऋण में हित रखने वाले पक्षकार हैं वो कितने हैं, दो भागों में बांटेंगे। तो वित्तीय ऋण में हित रखने वाले पक्षकार को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक आंतरिक, दूसरा बाह्य है। आंतरिक यानी अंदर वाले कौन कौन होते हैं, स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी, स्वामी, प्रबंधक और कर्मचारी। जबकि बाह्य कौन कौन से होते हैं, बैंक, लेनदार और ऋण पत्रधारी और सरकार, ठीक है ना, ये बाहरी होते हैं। तो इस तरीके से दो पक्षकार होते हैं जो हमारे लेखांकन का उपयोग करते हैं और उनमें एक आंतरिक दूसरा बाह्य है। नेक्स्ट है वित्तीय ऋण की सीमाएं, तो वित्तीय ऋण की सीमाएं लिख लेते हैं, वित्तीय ऋण की सीमाएं, तो वित्तीय ऋण की सीमाएं क्या हैं, तो वित्तीय ऋण की सीमाएं हैं, पहली सीमाएं हैं, यह गुणात्मक तथ्यों को नहीं दर्शाता, गुणों को नहीं दर्शाता। दूसरा भूतकालीन घटनाओं पर आधारित, यानी भूतकालीन घटनाएं बताता है, भविष्य के बारे में बता ही नहीं सकता। नंबर तीसरी अनुमानों पर आधारित, ये किस पर आधारित है, अनुमान पर, कि अनुमान लगाए जाते ये काम ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि अनुमान हमेशा सही भी हो सकते हैं और गलत भी, दोनों काम है। और चौथी है इसकी कि सभी पक्षकारों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, सभी पक्षकार की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या नहीं कर पाता, ये वितरण नहीं कर पाते, किसी को कुछ चीज की आवश्यकता है, किसी को कुछ, ये तो अपने डाटा दे देगा, सबके आवश्यकार को भी किसी भी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा, तो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इस तरीके से वितरण का हमने आज जो पढ़ा है हमारा टॉपिक, ये आज यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, वित्तीय विवरण का अर्थ पढ़ा है, वित्त ऋण में क्या क्या शामिल होते हैं वो पढ़ा है, वित्त ऋण के उद्देश्य, विशेषता, आधारभूत सिद्धांत, हित रखने वाले पक्षकार और वित्त ऋण की क्या पढ़ी है, सीमाएं। इन वित्त ऋणों के बारे में आप अच्छे से फिर से स्टडी करो, अपने बुक्स को स्टडी करो, नोट्स बनाओ, मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो। तो इस तरीके से हमारा वित्त ऋण का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वित्त ऋण का विश्लेषण, विश्लेषण पे हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो 2 दिन हम थ्योरी कर रहे हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो इतने दिन, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो करवा के ला दो। Thank you.